इसको मुक्त करेंगे मुक्त करेंगे। अरे हमारा गांव तो बर्बाद है, जाएंगे आधा का कैंसर है, जाएगा आधा का टीबी है, जाएगा मर लेंगा, अरे मरण लाग रहे फिर पाँच से के मुक्त करोगे भाई? हम तो मुक्त है ही लागा के आगे जाने को छोटा बालक सी बड़ा बालक को अच्छो जाता जिम्मेवार कौन बनते? ये तो एक बाज गए तो छोड़ के सोता तू कुपरा फायर करा दो नहीं। इनको ऊपर सरकार कहा था जब ये कर रहे हैं, करवाया कुछ नहीं है। ये आप देख रहे होंगे 17 ट्रैक्टर आए हैं और 101 में 125 क्विंटल वेट है, 125 क्विंटल वेट। और ये रात को कितने बजे की बात है ये रात की भाई? 3:30 बजे ये ट्रैक्टर यहाँ आकर के इस साइड घुसा है। और आप एक बार थोड़ा आपका वीडियो भी साथ चले तो मैं आपको दिखाऊं। एक एक दिन पहले की बात, दो चार दिन पहले की बात है। ये देखो इसका पूरा दूसरा, मैं आपको हाँ ये पोल टूटा हुआ है, आ जाओ जी, यहाँ आओ, आपको यहाँ चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो त्रेड़, ये अभी ताजा की है जी। और ऊपर देखो वो ये अंदर भी दिख गया, और ये यहाँ से टकरा गया ना, ये यहाँ से अड़ज के और इसका ये हुआ है। और अंदर से और है। रुको मैं आपको लाइट से दिखाता हूँ, रुको लाइट से दिखाता हूँ। ये त्रेड़ देखो जी, इस घर यहाँ से देखो, यहाँ से ये त्रेड़ अभी ताजा बिल्कुल रात की है जी। और इसमें चौबारे में घरवाले सो रहे थे। अच्छा, और ये देख रहे ना ये हाँ ये दिखा दिया ये चौबारे में सो रहे थे जी। आगला पोल कर दियो, और आगला पोल और दिखाता हूँ। आओ आपको ये जो ये बगल में प्लांट है ना, इसकी वजह से इतनी भारी समस्या है पूरे गांव में। कुछ दिन पहले भी गांव वालों के ऊपर भी केस दर्ज हुए थे इसी मामले को लेकर के। ये देखो ये पोल, ये परले वाला, ये बिजली का किसी के ऊपर भी गिर के इनके ऊपर गिर गया ना, एक बार आग लग गई, पीछे भी लगी थी बिजली के तारों से। और प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, सरपंच और 5-7 और थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया फालतू में। 13 जने थे। सुनो जी, पीछे जो पोल टूटे थे ना, उसी आंच लगी, सरपंच को गांव का जो नाम था उनने खराब कराया थी। उनने जैसे अभी इसकी आग लग जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? ये चीज होगी। दूसरी चीज मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि 17 ट्रैक्टर हैं, 125 क्विंटल का एक वजन है इनके पास, ये वजन ट्रैक्टर इनका हाँ, अलग है। मैं देख क्या रास्ते में हाँ, तो ये अगर एक पे आग लगती है तो ये तो गांव ने समेट देखो, क्योंकि गांव के चारों तरफ लाग रही ऐसी जी। गलती से गांव वालों ने अपना बिजली का कटवा करके और तब बचा रखा है। अगर बिजली हो तो आज फिर गांव वाला को शायद मुकदमा मेरे भी है, क्यों नुके देंगे भाई, जड़ा हमने दिया। दूसरी चीज इसके साथ साथ अभी तहसीलदार साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब आने वाले हैं, और तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम इन पे चलान कर देंगे। इन्होंने गांव वालों ने बताया कि पिछली बार चलान का नाम ले जा करके इनको फिर छोड़ दिया, और पिछली बार आते थे 100 क्विंटल के आसपास, अब की बार इन्होंने और बढ़ा दिया कि चलान तो कटिंग भाई देखा कितना कटिंग। ये सिरसा से चल करके आए हैं, सिरसा फतियाबाद से चल करके आने के बाद और यहां तक आगे बीच में किसी प्रशासन ने यह ध्यान नहीं दिया कि इनका आरटीओ के माध्यम से चलान भी होना है। ये प्लांट की तरफ से। और दूसरी चीज मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, गांव के सरपंच ने आज से 4 महीने पहले बीडीओ ऑफिस में एक प्रस्ताव दिया था, दो महीना प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में जैसे गांव के बाहर एक ऐसे बैरिकेड टाइप का लगता है तो दोनों साइड में पोल कटेंगे और उसका एस्टिमेट के साथ लगा करके पैसे गांव के पास हैं और उसका दिया हुआ है। बीडीओ मैडम ने वो पास नहीं किया, अभी तहसीलदार साहब ने बात की है, मैंने उनको यही कहा है कि आज मैडम उस चीज को वारवली, क्योंकि ऑफिस खुला नहीं है, तो वारवली ओके करे कि कल सुबह आते ही मैं साइन कर दूंगी, मंगलवार को हम काटेंगे इसको। अगर मंगलवार तक वो वीडियो मैडम उसको परमिशन नहीं देती और गांव का हम वो पोल का नहीं गाड़ते हैं तो अगले दिन डीसी साहब के पास जाएंगे और 3 दिन का अल्टीमेट दे करके गाड़ते हो तो ठीक है पोल, क्योंकि जब तक पोल नहीं गाड़ेंगे हम गांव की सुरक्षा के लिए तो गांव के बाहर, तब तक इनका समाधान नहीं निकलना है। वैसे हम आज प्रशासन बोल के छोड़ के चला जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, रात ने फिर आएंगे ये।
फिर कहेंगे भी सुत्या सोए हुए आदमी रात को उस साइड भागे हैं, अगर वो गलती से पड़ जाता तो क्या हाल था जी। तो कहने का ये मतलब है, और आज तक ये जो ये है अपना क्या बोलते हैं प्लांट, इस प्लांट ने गांव के कोई वेलफेयर में काम नहीं दिया है, गांव का कोई एक आदमी नौकरी नहीं लगाया है। जहां गांव की जमीन जाती है वहां कंपनियों का रूल होता है कि 90% गांव के युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। एक भी उसने प्लांट ने रोजगार नहीं दिया है, एक भी भलाई का काम नहीं किया है। दूसरा, अभी उस्मापुर में कुछ पहाड़ का काम चल रहा है तो उस कंपनी ने पहला अपना बाईपास बनाया है, बाद में काम चालू किया है। इन्होंने भी अपना बाईपास खुद बनाना पड़ेगा, हमें उस चीज की गारंटी नहीं है। हम सिर्फ अपने गांव से ये ओवरलोडेड बाहर नहीं जाने देंगे, हमारे गांव से वही निकलेगा जिसका ट्रैक्टर का खेती बाड़ी के माध्यम से हम जितना वजन लेके जाते हैं उतने ट्रैक्टर की हमारी जिम्मेदारी है। दो नंबर बात यह है कि पंचायत के रास्ते में ही फैक्ट्री लगा रखी है। हाँ जी, किस रास्ते में? पंचायत के रास्ते में ही फैक्ट्री की चिमनी लगा रखी है। अच्छा अच्छा, अवैध कब्जा कर लिया हुआ है मतलब अपने आप प्लांट ने, और चिमनी मनमर्जी चल रही है। चिमनी से कितना प्रदूषण निकलता है, आजकल हर जगह सोलर का चल रहा है, देश में प्रदूषण का एक अलग माहौल बना रखा है कि हम इसको मुक्त करेंगे। अरे हमारा गांव तो बर्बाद है, जेंगे आधा का कैंसर है, जेंगे आधा का टीबी है, जेंगे मरलिंगा, अरे मरण लाग रहे ऐसी, फिर पाछे के मुक्त करोगे भाई? हम तो मुक्त है ही लांगा का कि आग जाने। तो कहने का मतलब है तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, एसडीएम साहब का इंतजार हो रहा है, और ये जल्दी से जल्दी परमिशन आएगी। आज ये सारे के सारे इनका इंपाउंड तो होंगे प्लस इनके भारी भरकम चलान ऑनलाइन में भरवा कर फिर छोड़ देंगे। ठीक है, आए दिन हादसे होते हैं गांव में, आए दिन होते हैं, कभी पोल टूट जाता है, कहीं खंभे टूट जाते हैं, कभी और कोई आदमी बच जाता है, कहीं बच्चे पड़ भी गिर भी जाते हैं मोटरसाइकिल से। छोटा बालक सी बड़ा बालक को हाथ जाए तो जिम्मेवार कौन बनते? ये तो एक बाज गए तो छोड़ के सोता, ये पीछे ने दो पोल तोड़ा जब भी बाज गए सरपंच की भी बोला है तू कुपरा फायर करा दो यो तो एक तरफ जी तानाशाही के जो फैक्ट्री वालों कौन से हो शर्मा जी कौन से हो तो एक तरफ जी तानाशाही कर रहे हो सर नहीं इनको ऊपर सरकार कहा था जब ये कर रहे हैं जब कर रहे हैं प्रशासन पूरी इनकी मदद कर रहा है।